गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललित और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा चैनल ललित रतन। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है EMI समर 2020 के एग्ज़ाम जो हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं। हालांकि ये 6 जून को होने थे बट अब पोस्टपोन हो चुके हैं। अब मैं भी देखता हूँ अब कब होते हैं एग्ज़ाम। तो इसके अलावा जैसे मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसकी जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है, जो हालांकि इन्होंने 11 मई बताई थी, वो मई भी एक्सटेंड हो सकती है। हालांकि उस टाइम मैं इतना कन्फर्म नहीं था बट हालांकि मैंने इन्हें एक नोट मेल भी भेजी थी। उस मेल के थ्रू मुझे ऐसा डाउट हुआ कि मे बी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई। तो आज इन्होंने एक नोटिस भी डिक्लेयर कर दिया है जिसमें इन्होंने बताया कि जो डेट जो है वो 30 मई तक बढ़ चुकी है। तो आप ऑनलाइन जो है 30 मई तक इस फॉर्म आसानी से भर सकते हैं अब। हालांकि मेरे पास इसके काफ़ी प्रूफ भी हैं जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आप जब भी EMI का ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो आपके सामने कुछ एक ऐसा इंटरफेस आके खुलेगा। तो हालांकि आप इस पे देख सकते हैं कि इन्होंने जो अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग डेट जो है वो 30 मई तक बढ़ा दी है, जो हालांकि पहले 11 मई थी। तो इसके अलावा मैंने इन्हें एक मेल भी भेजी थी जिस मेल पर इन्होंने मुझे रिप्लाई करा और उस पर भी इन्होंने जो है 30 मई की डेट जो है बताई है। तो वो मेल भी मैं आपको, और ये आप देख सकते हैं मेरी मेल का जो उन्होंने रिप्लाई भेजा है। हालांकि दो लिंक भी दिए हैं इस पे, और ये लिंक मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। ये वही लिंक इन्होंने दोबारा से मुझे भेज दिए हैं। बट इंपॉर्टेंट जो बात जो हमारे लिए जो बीच में लिखी है, आप देख सकते हैं, द डेट फॉर एप्लीकेशन फॉर समर 2020 एग्जामिनेशन विल बी एक्सटेंडेड टिल 30 मई 2020। तो इससे ये पता चलता है इन्होंने अपनी जो डेट है वो 11 मई से एक्सटेंड करके 30 मई 2020 तक कर दी है। तो मैं लिंक भी आपको ये थोड़ा इस लिंक में तो इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो 6 जून को जो आपके समर एग्जामिनेशन होने थे वो पोस्टपोन हो चुके हैं और फ्रेश डेट जो है वो आपको अपनी साइट पर देंगे, तो आपको डेली विजिट करना पड़ेगा इनकी साइट पर। तो दूसरा लिंक आप देख, और दूसरे नोटिस में इन्होंने लिखा है कि जो आप हार्ड कॉपी है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की, जो जैसे DD हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, वो हार्ड कॉपी है जो आप लॉकडाउन खुलने के बाद भी EMI के हेड ऑफिस जो कि कोलकाता में वहाँ भेज सकते हो। तो मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी आपको देने के लिए। होप सो आपको अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। और आगे फर्दर अगर किसी तरह की मुझे इन्फॉर्मेशन EMI की तरफ से पता चलती है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, बाय।